yeah, ay, yeah, ay, yeah. Hello guys, कैसे हो आप लोग? तो रोज की तरह आज फिर हम पोचिंग की लैंड किए और मेरे को नहीं मालूम था कि यहाँ पे इतने सारे बंदे आ जाएंगे। देखा लास्टली तक कितने बंदे आते हैं आखिर यहाँ पे। ऊपर से हम पे दो स्क्वाड ड्रेस करने, मैं उतरती ही ये ऑफलाइन बंदा मेरे को दिख गया था, मैं इसे मारता हूँ। बट ये भी रिस्क रहता है ना सोलो वर्सेस स्क्वाड में कि कोई और बंदा को किसी भी विंडो से मार देगा तो नॉक नहीं लाइक नहीं होगा। और इस बंदे को मेरे सामने में एक एम मिल गई थी, थोड़ा सा पहले मिल जाता तो ये मैं भी मेरे को मार देता। चलो कोई नहीं, अब मैंने इसे मार दिया तो और मेरे को पीछे से पड़ने लगी यूजी की शॉट्स। और बिना हेलमेट बिना वेस्ट के तो वही होता है, बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है कोई भी गन से। तो फिर ठीक है, तो फिर मैं हमेशा यही उतरता हूँ पोचिंग के मिडिल कंपाउंड में, भले ही सोलो हूँ या स्क्वाड में हूँ, तो उससे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत से मारा मेरी कंफ्यूज ये उसने क्यों नहीं मारा, बिकॉज से कि मेरा पिंग जियो पे स्टेबल नहीं रहता है, तो मैं मेरा और मेरा एयरटेल का डाटा खत्म सही बात है, थोड़ा सा पिंग का प्रॉब्लम चल रहा है मेरा इतना, बट झेल लेता हूँ, बट थोड़ा बहुत हो जाता है। लेकिन कभी कभी आज और कल मैं बहुत ज़्यादा मारा हूँ ऐसे ही इसी पिंग प्रॉब्लम के कारण। तो फिर चलिए देखिए, और मेरे पास अब एमओ नहीं है और मेरे क्लोज में बंदे हैं, तो वो उसके जिसे मैंने मारा ना वो सब चिल्ला रहा था रिवाइव दो रिवाइव दो रिवाइव दो, बिकॉज से वो ब्लेड हो बिकॉज से उसे बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ चुका था। ये बताइए, यहाँ मैंने बहुत सारे बंदे को नॉक कर दिया था, बट पता नहीं एक दो का किल चोरी भी हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, उसके बारे में मेरे को कोई आइडिया नहीं। और ये बंदा कुछ ज़्यादा ओवर स्मार्ट बंदे के ऊपर में आता है, ट्राई करता हूँ मारूँ बट लग नहीं पाता है। चलो कोई नहीं, तो फिर मैं यहाँ से निकल जाता हूँ, मेरे को वहाँ से अभी पड़ेगी, मेरे को वेस्ट चाहिए, तो वहाँ वेस्ट तो है नहीं, तो फिर लूट के मैं निकल जाता हूँ वहाँ से। आखिर मेरे को एक लेवल वन वेस्ट मिला और एमओ भी मेरे पास उतना ही कम, इधर 20 एमओ और उधर 10 एमओ, मतलब 30 एमओ में अभी मेरे को सर्वाइव करना है। और मेरे पास में चार बंदे और इधर दो बंदे हैं रोड के उस साइड, दो बंदे हैं, एक ये ब्लू वाले हाउस में है और एक राइट वाले घर में। तो मैं अभी इनसे फाइट नहीं लेता हूँ ज़्यादा, कि मेरे पास एमओ भी नहीं है सफिशेंट, और सही एमओ सफिशेंट है ही नहीं, तो मैं फाइट लेके क्या करूँगा, एमओ मारते मारते ख़त्म हो जाएगा। तो लकली मेरे को एक M16 मिलता है यहाँ पे, तो सही है, अब थोड़ा बहुत मिड रेंज ले सकता हूँ सिंगल शॉट पे, बट मेरे को थोड़ी देर में स्कॉर्पियो मिल जाएगा तो तब तो ले ही सकते हैं एकदम। ये मेरे एक बंदे का फुटप्रिंट आता है कि वो इस घर में है और वो भी ग्राउंड फ्लोर पे, तो मैंने एक बॉट को मारा था तो मैं इसे फिर मार देता हूँ। अब इसके बाद यहाँ पे शुरू होता है ट्रायल, अब इसके बंदे लोग मेरे को मारने के लिए आ जाते हैं, ये लोग घूम रहे हैं। अब ये फिर अंदर घुस गया, मैं बाहर निकला तो तभी एक और बंदे का फुटप्रिंट आता है मेरे को कि वो मेरे जिस घर पे टीवी भी ले रहा हूँ मैं उसी घर के अंदर है। तो सोलो वर्सेस बंदे को चेंज करते रहना चाहिए, इसको मारा और इसके अंदर चला गया। अब मेरे को फुटप्रिंट आया कि ये बंदा इसी घर के बाहर में है, आगे वाले घर के बाहर में है और उसे रिवाइव देने की कोशिश कर रहा है, तो फिर मैं इधर से घूम के जाऊंगा ना कि उधर से, बिकॉज वो उधर से टीवी पी ले रहा होगा। अब मैं इधर से मारा तो वो उधर से मेरी तरफ टीवी ले रहा, बट मैं फिर इधर से कूद के चला गया इसे मारने के लिए। तो ये सब सरप्राइज होता है इनके लिए, और ये एम पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा है ठीक से, लैग हो रहा है या पिंग के कारण ऐसा कुछ हो रहा है, और रिस्पांस भी बहुत सारा ज़्यादा लेट हो गया है। मैं ट्रिगर पे फायर करता हूँ तो लगभग लगभग 1.5 सेकेंड के बाद, एक हाफ सेकेंड के बाद फायर होता है, और एम में भी ऐसे प्रॉब्लम आ रहे हैं। और अभी तत्काल में वैसे 40 FPS पे खेल रहा हूँ, तो ऐसे मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो फिर मैं 60 FPS कर लेता हूँ यहाँ पर। और अब आप जाने से पहले मेरे को यहाँ पे दो बोर्ड्स का
तो आ गए हम रोड के दूसरे साइड और यहाँ पे मेरे सामने चार बंदे हैं पूरे के पूरे। तो मैं ट्राई करता हूँ कि इस घर में एक बंदा है और बाकी बंदे इसके पीछे है, तो मैं ट्राई करता हूँ इसको नेट से नॉक करूँ या मारूँ कुछ भी करूँ, जो वो नेट से वही कर दो। तो नेट से नॉक हुआ नहीं, बट वो उसकी मुझे हील करने की साउंड आई तो मैं कन्फर्म हो गया कि वो यहीं पर है। मैं फिर से एक नेट करता हूँ और मैं दूसरा नेट निकाल के रूम के अंदर जाता हूँ, लेकिन वो अंदर टूट जाता है, मैं भी थोड़ा सा पैनिक हो जाता हूँ यहाँ पे। बट देखता हूँ कि वो ऊपर चला गया, तो वो ऐसे भी डैमेज था थोड़ा सा, तो उस पर डस्ट क्या करना सिंपल था, तो उसको मैंने डस्ट करके मार दिया। अब इसके बंदे लोग सामने से फिर आ गए, तीन बंदे हैं और मेरे पास है क्या टॉमी एंड M4। फिर यहाँ पे मैं जैसे ही बाहर निकलता हूँ ये नॉक वाले कारण ब्लॉक होके मैं फिर से अंदर घुस जाता हूँ। इस वाले बंदे बारे में मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये भी आ रहा है रोड से, रोड के उस साइड से, तो वो अनएक्सपेक्टेड था कि मेरे लिए, बट चलो ठीक है मैंने उसे मार दिया। और ये लास्ट वाला बंदा है जो मेरे सामने वाले घर में है और वो वहाँ से नेड कर रहा है, तो मैं ट्राई करता हूँ कि यहाँ से मोल्टा फेंकूँ, बिकॉज मेरे को थोड़ा सा मज़ा आता है ये सब करने में उल्टा सीधे काम। मोल्टॉप गया नहीं और मोल्टॉप मैं कभी नहीं ठीक से फेंक पाता हूँ, नेट चल भी जाता है बट मोल्टॉप कभी नहीं फेंक पाता हूँ। तो पता नहीं आज बंदे क्यों नहीं नॉक हो रहे हैं, मतलब लगो मैं दो दिन से खेल रहा हूँ, दो दिन से बंदे को मैं कितना ही मार दूँ नॉक ही नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों लैग हो रहा है मेरा। मुझे चेक करना होगा अपने फ़ोन को या फिर फॉर्मेट करके एक बार देखना पड़ेगा कि रिसेट करिए। तो चलिए फिर आगे, इन इस स्क्वाड से तो फाइट हो गई और अभी हमारे पास है 15 किल, तो इसी खुशी में मैं इसे बस वीडियो यहीं पे ख़त्म होने वाला है और कुछ है नहीं। यहाँ पे अभी दो स्क्वाड आ चुके हैं, जब तक मैं यहाँ पे फाइट ले रहा था तब तक यहाँ पे दो स्क्वाड आ चुके हैं ऑलरेडी। और तो अब बताओ भैया, सबको पोचिंग की आना है, सबको पोचिंग किया ना, ऐसे था तो डायरेक्ट लैंड करते ना भैया, अब इतने दूर दूर से लूट लूट के आए पोचिंग की में फ़ाइट लेने को। चलो ठीक है मान लेते अच्छे फाइट ले, बट मैं इस घर में डस्ट करके ये गलती कर देता हूँ कि मेरी हेल्थ फुल होती नहीं है और मैं इसको मारने चला जाता हूँ और ये बंदा मेरे को इजीली मार देता है।